हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पॉजिटिव लाइफ टॉक्स। माय नेम इज दीप ठक्कर और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक विलन सीरीज के नए एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और छोटी छोटी चीज़ों से उसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं जिसकी शायद आज के समय में हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए कुछ सीखते हैं। लगभग 1.5 साल होने आया है और हम सबको पता है कि कोरोना नाम की महामारी हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इस महामारी ने हम सबको अलग अलग तरीकों से अफेक्ट किया है। किसी को बिजनेस लॉस हुआ है, किसी को जॉब लॉस हुआ है, तो किसी को तो लाइफ लॉस भी हुआ है। डेली जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं या फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं हर रोज़ हमें एक बुरी खबर देखने को मिलती है। स्पेशली इन आवर कंट्री, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हैज़ रीच टू आवर होम। और जैसे हमने बात की, इसने अलग अलग तरीक़ों से हमें अफेक्ट किया है, तो कईयों को इसने मेंटली भी अफेक्ट किया है। भले कोरोना उसके घर तक ना पहुंचा हो, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ा है। आई नो वी हैव टू बी पॉजिटिव, बट इट शुड बी मेंटली, नॉट मेडिकली। तो ये सारी चीज़ देख के और हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर सुन के इसका बुरा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर हो सकता है। देखिए, कोविड से लड़ने के लिए फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ हमें कोविड होने पे बचाएगी और मेंटल हेल्थ हमें कोविड ना होने के लिए बचाएगी। देखिए, अब हम ये तो सब समझते ही है कि कोविड टाइम्स में पेशेंस का इम्पोर्टेंस कितना है, क्योंकि अब कभी कभी ये चीज़ें जाननी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है कि ये चीज़ें कब तक रहने वाली हैं। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोविड की सेकंड वेव हमारे देश को इतनी बुरी तरह से प्रभाव करेगी। तो पेशेंस को कोविड टाइम्स में किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके लिए आप हमारे विलन सीरीज का लास्ट एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जाके उसको देखिए और सीखिए कि पेशेंस को हम छोटी छोटी बातों से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कोविड टाइम्स में। तो अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। देखिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोविड 19 हमारी मेंटल हेल्थ को क्यों अफेक्ट कर रहा है। देखिए, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं और वो सब्जेक्टिव भी है। कईयों को कोई चीज़ का असर नहीं होता, या फिर कईयों को कोई चीज़ का असर हो जाता है, कईयों को छोटी छोटी चीज़ों का भी असर हो जाता है। तो उसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो दे आर लाइक लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ग्रीफ एंड लॉस, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ लव्ड वंस एक्सेट्रा। इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं और ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग व्यक्ति को अफेक्ट कर सकते हैं। कोविड टाइम्स में हम ज़्यादातर लोग घर पे ही हैं, सो आइसोलेशन इज़ द की फैक्टर दैट अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ इन दिस कोविड टाइम्स। हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, हम थिएटर्स में मूवीज देखने नहीं जा सकते, हम अपनी ही फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने भी नहीं जा सकते। तो आइसोलेशन के कारण हम, मतलब कोविड ने हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी, जो चीज़ें हमें लाइकली लगती थी, जो चीज़ें करनी हमें अच्छी लगती थी, जो हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने में मदद करती थी, वो कोविड ने हमसे छीन ली है। नॉर्मल लाइफ, इन शॉर्ट, कोविड ने हमारी छीन ली है, जिसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें इस सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को हमें इम्प्रूव्ड और मैनेज रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मेंटल हेल्थ बुरी होने के कारण हमें भविष्य में अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस और कई और। एक सर्वे के अनुसार यूके में जून 2020 में डिप्रेशन के सिम्टम्स वाले अडल्ट 90% तक हो गए, जो जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक सिर्फ 10% थे। ऑन द अदर साइड यूएस में ये परसेंटेज 42% हो गए दिसंबर 2020 में। और ऐसे कई और स्टडीज़ हैं जो बताते हैं कि कोविड 19 से मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है और ज़्यादातर ये सिम्टम्स अडल्ट में देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ ने तो ये क्लेम किया है अपनी एक ब्रीफिंग में कि वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर मेंटल हेल्थ क्राइसिस आफ्टर कोविड 19 पेंडेमिक। आप उस ब्रीफिंग को यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब तो ये क्रिस्टल एंड क्लियर है कि हमें मेंटल हेल्थ पर काम करना ज़रूरी है कोविड 19 में। अब हम आगे इस वीडियो में अलग अलग छोटे छोटे सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिससे हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी मेंटल हेल्थ को कोविड में इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमने पहले भी बात की, जो कोविड में हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि माइंड अपने आप से बात करने लगता है और
उसके बाद ओवर थिंकिंग, टाइम लॉस, एन्जाइटी, ऐसी फीलिंग्स आती है और कभी कभी ये तो हेडेक भी करवाती है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? सी, वी ऑल नो वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड, तो आज के समय में हम यहाँ बैठ के सात समंदर पर किसी से भी, अपने दूर के कोई फ्रेंड, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, किसी से भी हम बात कर सकते हैं। तो ट्राई करें आप उनसे बात करने की, आप कनेक्शन बनाने की, अपने माइंड को बिजी रखने का ट्राई करें, उनके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम सुने, सॉल्यूशन बताएं और ऐसे कनेक्शन बनाएं जिससे हम अपने माइंड को बिजी रख पाए और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कोविड की तरफ डाइवर्ट ना हो। सी, आज तो हम वीडियो कॉल से एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो एक दूसरे से बात करें, कनेक्शंस बनाएं, फैमिली में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ट्राई करें, एक दूसरे से बात करें, अलग अलग गेम्स खेलें और अपने माइंड को उस लाइकली चीज़ों में डाइवर्ट करें जिससे हमारी मेंटल हेल्थ कोविड की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए और हमारी मेंटल हेल्थ वहाँ पे जाए ही नहीं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने में मदद करे। इन शॉर्ट, अपने माइंड को बिजी रखने का ट्राई करें जो चीज़ें आपको पसंद है। देखिए, जब भी हम अपनी रेगुलर लाइफ में होते हैं तब हम कोई भी ऐसी एक चीज़ या फिर हॉबी रिजर्व रखते हैं जो हम बोलते हैं कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये करूँगी या करूँगा। तो अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए, अपने माइंड को बिजी रखने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे एंड बेस्ट टाइम। तो आपको उस हॉबी को इस टाइम पे अप्रोच करना चाहिए अपनी माइंड को बिजी रखने के लिए। कुछ भी हो सकता है, वो कुकिंग, क्राफ्टिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या फिर रीडिंग डिफरेंट बुक्स, कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे आप अपने माइंड को बिजी रख पाए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद भी कर सके। तो ये एक भी छोटा सॉल्यूशन था अपनी मेंटल हेल्थ को कोविड टाइम्स में इम्प्रूव रखने का। सी, आई नो हम आसपास की सिचुएशन और वातावरण से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई करके अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का ट्राई तो कर ही सकते हैं, राइट? सी, ऐसा नहीं है कि आसपास की सारी सिचुएशन से अलग हो जाना है, उन पर भी ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उनको इस तरह से नहीं देखना है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे, क्योंकि इन सिचुएशन में अगर किसी ने कुछ गलती की है तो हमें उससे सीखना है कि इस सिचुएशन में अगर हम आ जाए तो हम ऐसी गलती ना करें, मेंटली शांत रख के वो चीज़ सीखनी है। तो ट्राई करना है कि इन चीज़ों का मेंटली हम पे इफेक्ट ना हो। इसके साथ साथ आपके बॉडी वर्कआउट पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, आपकी फैमिली को जो चीज़ें पसंद है वो करना, आप बिजनेस पर्सन या जॉब पर्सन हो और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो पूरे दिन में अलग अलग टाइम इंटरवल पे छोटे छोटे ब्रेक लेना, एंड इन सारी चीज़ों को आप करने से, नॉर्मल चीज़ों को करने से आप अपने माइंड को क्वाइट एंड हेल्दी रख सकते हो। द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू टॉक विथ अदर्स, दूसरों से बात करने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। बिलीव मी, आपके आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करने को रेडी होंगे, भले ही फिर वो डिजिटली क्यों ना हो। लर्न टू टेक हेल्प, देखिए शायद ऐसा हो सकता है कि हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व ना कर पाए, किसी को ऐसा भी लगता है कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शायद लेके जाऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। देखिए, लेकिन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दूसरों से बात करना है, सो ट्राई टू टॉक विथ एज मैनी एज पीपल एज यू कैन। तो इस तरह से बहुत लोग हेल्प करने को रेडी होते हैं। हेल्थ से एक बात आती है कि अगर आप स्वस्थ हैं और सक्षम हैं तो आप कोई भी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए, इस टाइम पर लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कैपेबल है कोई चीज़ करने के लिए, वो मदद कुछ भी हो सकती है, कहीं पे डोनेशन देना, किसी को खाना खिलाना, किसी को मेडिकल फैसिलिटी अरेंज कर देना, कहीं से भी हेल्प कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कहीं पे भी कैपेबल भी नहीं है तो भी आप घर पे रह के एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो व्यक्ति आज कहीं पे मुसीबत में है तो उसके लिए घर पे रह के प्रार्थना करके बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प किसी भी प्रकार की हो सकती है, हेल्प करने से हमें एक अच्छी फीलिंग आती है और हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में वो मदद कर सकता है, तो हेल्प कीजिए। किसी को मदद करने से आप मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हो जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। ट्रस्ट मी, आज बहुत लोगों को मदद की ज़रूरत है और बहुत मदद करने वालों की भी ज़रूरत है। सो इफ़ यू कैन बिकम हेल्पर देन डू हेल्प, इट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड विल मेक योर मेंटल हेल्थ पॉजिटिव। सो बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि घर पर रहे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीन जब भी एलिजिबल एंड अवेलेबल हो तब लगवाए, और बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर के बाहर निकले, वो भी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद, और इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस कोविड टाइम्स। सो स्टे पॉजिटिव मेंटली, स्टे हेल्दी फिजिकली। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और अपने पॉजिटिव थॉट्स एंड लर्निंग्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए,
जिससे इस वीडियो को और इस चैनल को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाए और अलग अलग लोग भी इससे कुछ पॉजिटिविटी ले और कुछ सीखने की कोशिश करें। आखिर में इस वक्त में छोटी सी पॉजिटिविटी के लिए आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके कोविड के सामने लड़ने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता, बस एक वक्त है गुजर जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। क्यों आजकल हर कोई गुमसुम है, क्यों आज लोगों की किलकारी छिप सी गई है। किस चीज़ को अंजाम देने आया ये वक्त, किस अंत तक जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। क्यों हर राह पर चलने वाली गाड़ियाँ आज एम्बुलेंस बन गई, क्यों हर कोई की खुशी आज कम सी पड़ गई। खुश तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन उस खुशी की नाव को समंदर कब किनारे लाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। क्यों व्हाट्सएप के हैप्पी लिखने वाले स्टेटस आज ओम शांति लिखने लगे, क्यों अखबार के छोटे पन्ने पे आने वाले डेथ नोट आज पूरे पन्ने भरने लगे। सुझाव तो हर सरकार दे रही है और उसे काम करने को भी बता रही है, लेकिन उस काम का परिणाम कब आएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त में हमें हर उस व्यक्ति को सराहना होगा, हमें घर पे रहके हर उस फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्पर्स, डोनर्स इत्यादि को सराहना होगा, जो इस वक्त में हमें अंत तक लेकर जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। जब हम सकारात्मकता से इस वक्त में जागरूकता दिखाएंगे, तब फिर से हर राह पर लोगों की किलकारी झूम उठेगी और हर एक की खुशी की नाव को समंदर किनारे पे लेके जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। दुख होता है जब अपना कोई खो जाता है, दुख होता है जब कोई पास से दूर चला जाता है। उस हर एक व्यक्ति को जिसने किसी अपनों को खोया है, उसके लिए प्रार्थना करके हर समय मास्क पहन के आगे हर एक के व्हाट्सएप स्टेटस में हैप्पी लिखा जाएगा। बस एक वक्त है गुजर जाएगा। जब हर कोई जागरूक रहेगा, तब हर सुझाव काम आएगा, सरकार और समाज हर कोई परिणाम बनाएगा। इस मुसीबत को सब साथ मिलकर, सामाजिक दूरी रखकर हरा देंगे। बस एक वक्त है, अगर खुद से नहीं गुजरा तो सकारात्मकता से साथ मिलकर गुजार देंगे।